सो गाइस, दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया कैसे आप विवाकार्ट वीडियो एडिटर एप्लीकेशन में अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो या बोल सकते हो अपनी वीडियो का जो बैकग्राउंड उसको कैसे आप रिमूव कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखना और सीधे चलते हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आज को अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको विवाकार्ट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। सो अगर आपके पास विवाकार्ट ऐप नहीं है तो इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो या आप इसे गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें विवाकार्ट को ओपन कर लेना है और विवाकार्ट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो इमेज के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से एक फ़ोटो ऐड कर लेना, फ़ोटो यानी कि आप एक बैकग्राउंड ऐड कर लेना। तो यहाँ से मैं एक बैकग्राउंड ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ से ये जो बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, सो मैं इसको ऐड करता हूँ। सो बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका बैकग्राउंड आ जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद आप बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे, इसका टाइम ड्यूरेशन आप बड़ा कर लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर राइट पे स्क्रॉल करना है, आपको कैनवास नाम का एक ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी बैकग्राउंड के एस्पेक्ट सिलेक्ट कर लेना अपनी वीडियो के हिसाब से। तो मैं 9:16 चूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको जूम कर लेंगे पूरी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो मैंने पूरी स्क्रीन पर इसको जो है जूम कर लिया। उसके बाद यहाँ से आपको आ जाना है बैक, बैक आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ओवरले, आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से अपना वीडियो ऐड करेंगे। जिस वीडियो का बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हो, तो मैं अपना वीडियो यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपको डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो हमारा वीडियो आ जाएगा। एंड देन आपको क्या करना है, अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो वीडियो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको राइट साइड की तरफ स्क्रॉल करना है, क्रोमा की नाम का आपको एक ऑप्शन मिलेगा और इसका जो आइकन है कुछ इस टाइप का है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक पिकर दिखाई देगा, सॉरी, सो यहाँ पर आपको मिलता है पिकर, आप इस पर क्लिक करेंगे और ये जो पिकर दिखाई दे रहा है इसको आपको ग्रीन बैकग्राउंड पर रख लेना है। सो वीडियो का जो बैकग्राउंड वो रिमूव हो चुका है। उसके बाद एक्यूरेसी नाम का आपको एक ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसका जो एक्यूरेसी उसको आपको इंक्रीज कर लेना है। ठीक है, सो मैं इसका एक्यूरेसी अराउंड रख लेता हूँ 40%। ठीक है, 40% कर लिया। एंड उसके बाद आपको आ जाना है बैक, बैक आने के बाद अभी आप अपना जो वीडियो उसको जूम कर लेंगे पूरे स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से। और अभी मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे वीडियो का बैकग्राउंड चेंज हो चुका है कितना रियलिस्टिक तरीके से। सो बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है कि हमने इस वीडियो का जो बैकग्राउंड उसको चेंज किया। सो हमारा वीडियो देख कैसा लग रहा है कि इस वीडियो का ओरिजिनल बैकग्राउंड ही यही है। सो यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेते हैं बैकग्राउंड को वीडियो के साथ, तो ये हमने एडजस्ट कर लिया, आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप जो इस एप्लीकेशन के अंदर अपनी वीडियो का जो बैकग्राउंड है उसको चेंज कर सकते हो या आप रिमूव कर सकते हो। सो उसके बाद हमें अपना जो वीडियो उसको सेव करना है, तो आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से कोई भी रेजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर 4K का भी ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से फ्रेम रेट सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक यहाँ से मैं 60 FPS को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे हाई क्वालिटी का वीडियो चाहिए। और उसके बाद यहाँ से मैं 4K को सिलेक्ट कर रहा हूँ यानी कि अल्ट्रा HD। और जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो है एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप हाई क्वालिटी में अगर अपने वीडियो को सेव करते हो तो आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा क्योंकि हाई क्वालिटी में वीडियो रेंडर होने में जो थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो आप वेट कर लेना, फिर भी आप देख सकते हो काफ़ी स्पीड में हमारा जो वीडियो उसको वो जो है रेंडर हो रहा है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।